आदाब। वायर के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम अद्विस्तान में आज हम बात करेंगे लिखने की। लिखने का मतलब है कलमकार होना, और कलमकार होने का मतलब है, उर्दू की बहुत मशहूर फिक्शन राइटर करतुलैन हैदर ने कहा था कि लिखना एक मेटाफिजिकल प्रोसेस है। तो ये बहुत भारी और एकेडमिक किस्म की बातें हैं, तो मैं उससे थोड़ा अलग अगर ये कहूँ या उसको आसान करके कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक कलमकार होना दरअसल फैशन भी है, और एक कलमकार होना दरअसल एक ज़िद को पालना भी है। तो आज हम उस तरह के एक कलमकार से या लिखने वाले से रूबरू हो रहे हैं जिनको अगर हम बाहर से देखें या बाहरी तौर पर देखना चाहें तो हमें ये नज़र आता है कि उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं है, लिखने को एक ज़िद की तरह पाला है। मेरी मुराद है या आज हमारे मेहमान हैं सुरेंद्र मोहन पाठक, जिनको आपने कभी न कभी किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से कभी स्टेशन पर किसी बुक स्टॉल से उठाया होगा, कभी मोहल्ले के किसी किताब घर से उठाया होगा, और आपने पढ़ा होगा, और आपने क्राइम फिक्शन को जाना होगा, और तमाम तरह के सस्पेंस तहयूर से रूबरू हुए होंगे। तो आज हमारी खुशनसीबी है, आज हमारे साथ बहुत अजीम द ग्रेट मेहमान हैं हमारे साथ सुरेंद्र मोहन पाठक। सर बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। वेलकम सर। एक दुनिया, पूरी दुनिया जो आपको जानती है वो आपको आपके लिखने के हवाले से जानती है, और न सिर्फ जानती है बल्कि आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है। लेकिन मैं थोड़ा सा, जैसे आप मतलब लगभग 300 या शायद 300 क्रॉस कर चुके हैं कि नॉवेल या उपन्यास आपने लिख दिया है, तो ये एक तरह की ज़िद भी है एक राइटर की, एक फ़िक्शन नवेश की, एक क्राइम मतलब जिसको द किंग कहा जा सकता है अपने फील्ड में। तो मैं भी थोड़ा सा अपने आप को समझता हूँ कि मैं एक पाठक के तौर पर मतलब थोड़ा सा ज़िद्दी हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इधर बात करूँ आपके लिखने के बारे में, उससे पहले मैं आपके पढ़ने के बारे में बात करता हूँ। तो मैं चाहिए ये चाह रहा हूँ कि जब आप इंडिया में, या शायद ये उस वक्त इंडिया ही हुआ करता था जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, जब आपकी बुनियादी तालीम हुई, जब आप किसी ख़ास भाषा में किसी ख़ास ज़बान में पढ़ रहे थे, आप उन दिनों को याद करें और थोड़ा सा हमारे सामने मतलब उससे एक तरह से उस मंजरनामे को हमारे सामने करें कि वो कैसा माहौल था, आप क्या पढ़ रहे थे, और कैसे फिर अचानक से आप इधर आ गए लिखने की तरफ। देखो, एक ख़ास जबान नहीं, एक ही जबान है। एक ही जबान, पंजाब बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, दो हिस्से हुए उसके, लेकिन इधर का या उधर का पंजाब, उनकी जुबान उर्दू ही थी। और ये बड़ी खासियत थी पंजाबियों की कि वो उर्दू लिख सकते थे, बोल नहीं सकते थे। पंजाबी बोल सकते थे, लिख नहीं सकते थे। ऐसा करता बहुत रेयर होता है कि एक ही कम्युनिटी है, जो जुबान वो बोलती है वो लिखती नहीं, जो लिखती है वो बोलती नहीं। बल्कि सर आपकी बात से एक बात याद आ रहा है मुझे कि एक उर्दू के बड़े फिक्शन राइटर हुए जोगिंदर पाल, वो कहा करते थे कि जब हमें गपें हाँकना होती थी तो हम गोरमुखी में हाँकते थे, और जब संजीदा बातें करती थी तो उर्दू में लिखते थे। जी भाई, वो जिस वक्त के राइटर जोगिंदर पाल है वो तो जोरी उर्दू का था। जी। उनका सारा दमखम, सारी तालीम, सारी ट्रेनिंग ही उर्दू में थी। और कौन सी जुबान थी, और कौन सी जुबान थी। इंग्लिश के राइटर कोई मुल्खराज आनंद जैसे 100 में से एक होता था। जी। बाकी पंजाबी कोई जानता नहीं था। हिंदी अभी धीरे धीरे थोड़ी जड़ पकड़ रही थी गवर्नमेंट की स्पॉन्सरिंग की वजह से, कि जब उसको प्रमोट करने की कोशिश जैसी थी, कामयाब तो नहीं हुई, नेशनल लैंग्वेज तो वो बन नहीं सकी। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ 45 हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, बाकी हिंदी नहीं जानते। हिंदी बोलते हो थोड़े बहुत, लेकिन महरूम है वो इस बात से। तो सारा मेला, सारा जहूरा उर्दू का ही था। और उर्दू को लोग जल्दी सीखते थे क्योंकि शुरुआती तालीम की 6 साल की उम्र से होती थी। ये KG, लोअर KG, ये ऐसे ऐसे प्रेप वगैरह की वो छोटी छोटी क्लासें, 3 साल जो ऐसे ही गुजार देते थे बच्चों के साथ, उनको गेम खिलाने में और बैठना सिखाने में, वो तो होता नहीं था। 6 साल की उम्र में बच्चा पढ़ता था, 2 जमातें ही फल उर्दू लिख रहा होता था, सब कुछ कर रहा होता था। तो इसलिए ये बुनियाद बड़ी अच्छी बनी हुई थी, पढ़ने पर जोर था, जो किसी तरीके से कैसे भी हासिल होता था उर्दू में ही हासिल होता था। तो ये किसी तरह का कंपल्सन था, या ये लोगों को लगता था कि वाकई उर्दू पढ़ने से आपके एक्सप्रेशन में, आपके लिखने में एक खूबी पैदा होगी?
देखो वो फर्क तभी समझ में आया ना जब आप किसी दूसरी जुबान से दो चार हुए, जब एक खास जुबान के अलावा कोई जुबान जानते ही ना था तो हमें क्या पता समुंदर में कितनी मछली है। अब देखो ना पंजाब बना, पंजाब सरकार ने जबरदस्ती पंजाबी ठोकी तो लोगों ने पंजाबी सीखी, केंद्र सरकार ने जबरदस्ती हिंदी ठोकी तो लोगों ने हिंदी ठेकी, साउथ ने इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट किया फेवर किया तो इंग्लिश के रीडर वगैरह बनाए, लेकिन जो जिनकी बुनियाद उर्दू थे उन्होंने तो उर्दू नहीं छोड़े। जितने ही उर्दू के राइटर हैं वो लिखते थे, उर्दू की खपत कम थी, उसकी मकबूलियत कम थी, उसकी पूछ कम थी, उर्दू पढ़ने वाले थोड़े हो गए थे, तो उन्होंने फिर ये पैतरेबाजी कर ले कि वो हिंदी में छपते थे, जाहिर करते थे हम हिंदी के ही राइटर हैं। कितने ही राइटर ऐसे थे, प्रेमचंद भी उर्दू के राइटर थे, लेकिन आज की तारीख में कोई उन्हें कहता है ये उर्दू के राइटर हैं, हिंदी के राइटर माने जाते हैं। किशन चंद्र हैं, उन्होंने तो बाकायदा प्रचार किया, डेली पेपर में न्यूज़ छपवाई कि किशन चंद्र ने हिंदी सीखी, तो बिल्कुल झूठ था, कोई हिंदी विंदी नहीं सीखी, सिर्फ उनका उन्होंने एक जरिया बनाया था कि उनकी कहानी हिंदी जुबान में डायरेक्ट छपे। सारिका में आर्मी ने एक किशन चंद्र की कहानी की थी, उर्दू के राइटर थे, उर्दू में ही लिखते थे और उनका लिखने का स्टाइल थे, तीन जने इकट्ठे बैठते थे, उन्होंने उर्दू लिखे, वर्का दूसरे को पकड़ा दिया उसने हिंदी कर दे, उसने तीसरे को पकड़ा दिया उसने टाइप कर दे, और तीनों जने कंप्लीट करके ही उठते थे। तो सबकी बुनियाद उर्दू थी, सबकी बुनियाद सोच हिंदी बन जाए या कुछ बन जाए, लेकिन जो व्यापक पूछताछ थी वो नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी की ही थी, और बाकी जो है साउथ का अपना एक जिद थी कि मेरी हम हिंदी को उस दर्जे तक अडाप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा, और राष्ट्र की भाषा तो वो कभी भी नहीं बन सकी। हाफ हार्टेडली उसकी कोई काम किया, क्वार्टर हार्टेड नतीजा निकला। तो उर्दू तो फिर पार्टीशन के बाद पूरा अरसा तो नहीं चले, ये तो नहीं हम कह सकते कि आज भी उर्दू का बोलबाला है हिंदुस्तान में, लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग जो रीजन्स हैं जहाँ मदरसों में उर्दू की तालीम है वो तो हासिल कर ही रहे हैं ना, चाहे एक जिद में उन्हें वो दी जा रही है, चाहे तालीम चाहे ज़रूरत की वजह से दी जा रही है, लेकिन उन्होंने अपनी वो छोड़ी तो नहीं बुनियाद। तो अब मुझे मतलब एक तरह से मेरा उर्दू के हवाले से एक आखिरी सवाल होगा ये कि जब आपकी बुनियादी तालीम उर्दू में हुई, तो ये शायद कम लोगों को मालूम हो कि सुरेंद्र मोहन पाठक जो मतलब हिंदी में इस तरह का फिक्शन लिखा और उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, जिस तरह से आपके अंदर लिखने की ज़िद है उसी तरह से पढ़ने वालों के अंदर पढ़ने की ज़िद है कि हम आप ही को पढ़ेंगे, ये तमाम बातें हैं, लेकिन ऐसा एक जहन में एक सवाल आता है कि सुरेंद्र मोहन पाठक ने उर्दू में किन लोगों को पढ़ा होगा, वो कौन लोग होंगे? भाई चॉइस से नहीं पढ़ा जी, जो हासिल है वो पढ़ा, क्योंकि चॉइस वाली तो हमारी औकात नहीं थी, पल्ले से पैसे खर्च के किताब खरीदने वाली तो ऐसे कभी वो बना नहीं सिलसिला, घर वाले ही पीट देते थे कि क्या पढ़ने में कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं है जी। तो बाप तो मारते थे, ताए मार देते थे, क्या कह देते नहीं किताब पढ़ना, ताश खेलना और सिगरेट पीना एक दर्जे के जुर्म करार दिए जाते थे, मतलब मायूब थे। हाँ, एक दर्जे के, ताश खेलना, सिगरेट पीना और नावल पढ़ना, ये एक दर्जे के गुनाह माने जाते थे। क्यों पढ़ता है, मैं तेरे बाप को चिट्ठी लिखूंगा, ऐसे धमकी देते थे, अभी मार तो लिया, चिट्ठी की कसर रह गई। तो वो उसमें कोई अवेलेबिलिटी पर था जो हासिल में पड़ा। फिर भी सर अगर आप कुछ नामों को याद करना चाहें जो खास तौर से जिस तरह का फिक्शन आपने लिखा, जिस तरह का नरेशन लोगों के सामने दिया, वो जो याद किए मैंने, जिसको मैंने ढूंढ ढूंढ के पढ़ा, अहमद नदीम कासिम को पढ़ा, वो अनोखे रीडर थे जो जिनकी नसर और नजम में दोनों में बराबर का कमांड था, जितनी मजबूत वो नसर लिखते थे उतनी मजबूत उनकी नजम थी, इतने गुनी हुए सुमित्रा नंदन पंत हुए, निराला हुए हैं, जो दोनों तरफ कलम चलाते थे, लेकिन रेयर है, जनरल नहीं है ये बात। फिर अहमद नदीम कासमी को पढ़ा, फिर वाजिदा तबस्सुम को पढ़ा, वाजिदा तबस्सुम मतलब ये वाजिदा तबस्सुम जैसे लोगों को याद करना, और कोई सुरेंद्र मोहन पाठक याद कर रहा हो
मेरे लिए हैरत की बात है। हाँ, बहुत डाइवर्स जी, चूंकि कम लोग याद करते हैं, उनको साइड कर देते हैं कि इन्होंने प्योर लिटरेचर नहीं लिखा है, वाजदा तबस्सुम ने नथ उतराई, नथ उतरन, इस तरह की चीजें लिखी हैं जी। मैं अब क्या बताऊं आपको, जिस वक्त एक चादर मैले से पहली बार माया मैगजीन में छपी थी, जो उस वक्त आठ आने की होती थी, उस वक्त मैं डीएवी कॉलेज में थर्ड ईयर में पढ़ता था, और मैंने उसकी एक किस्त पढ़ी और मैं दीवाना हो रहा था कि कब अगला इशू आए और मैं इसे पढ़ूं। तो जो एक्सपेक्टेड डेट होती थी उसमें किराए की बाइसिकल लेके 7 किलोमीटर साइकिल चला के स्टेशन पर माया पता करने जाता था, और नहीं मिलती थी तो फिर जाता था, नहीं मिलती थी तो फिर जाता था। मतलब इतना मेरे पास सम्मोहन था, चार दिन चार रात। हिंदी की कहानी तो नहीं थी वो, उर्दू के राइटर की कहानी थी, चार दिन चार रहे नहीं वो एक चादर मैं लिखी, जिसमें बाद में फिल्म भी बनी है, हेमा मालिनी वगैरह ने एक्ट किया उसमें। खुशवंत सिंह जी ने ट्रांसलेशन किया आई टेक दिस वुमन इंग्लिश में, खुशवंत वर्ल्ड यूरोप की सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर, बहुत पावरफुल स्टोरी थी, बिल्कुल देहात के स्पेशल खास वो सिलसिला। तो वो भाई अब जिन राइटरों के हम इस किस्म के आते हैं, मैं फिर से कहता हूँ मैंने चॉइस से नहीं पढ़ा, अवेलेबिलिटी से पढ़ा। थोड़ा और बड़ा हुआ था तो किशन चंद्र को चॉइस से पढ़ा, उसको मैं बहुत रैलिश करता था, मैं उसके अंदाजे ब्याह को फॉलो करता था, मैं उसका गैर ऐलानिया शागिर्द था कि मैंने किशन चंद्र जैसी भाषा लिख के दिखानी है। इसीलिए मेरे पर उर्दू का इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा था, इसीलिए जब मैं और बड़ा हुआ तो मैंने चार जबानों की खिचड़ी बना के अपनी एक स्पेशल जबान बनानी, पंजाबी हिंदी इंग्लिश और उर्दू चारों की एक ग्वालपेल में मिला के मैंने एक अपनी स्पेशल लैंग्वेज बनाई जो किसी से नकल नहीं हुई, किसी से नकल। तो सर यहाँ पर एक सवाल भी पैदा होता है कि जो आदमी एक पाठक के तौर पर इतना मतलब एक तरह से गंभीर या संजीदा लिटरेचर पढ़ रहा हो, कृष्ण चंद्र को पढ़ रहा हो, अहमद नदीम कासमी की बात कर रहा हो, या वाजदा तबस्सुम की बात कर रहा हो, वो आदमी जो सो कॉल्ड या तथाकथित, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि तथाकथित आपका साहित्य लुगदी साहित्य है, पल्प फिक्शन है या लिटरेचर है, इस तरह की बात है, मतलब कहीं ना कहीं कैटेगराइज करके उसको एक स्तर नीचे करने की कोशिश करते हैं, तो इतना मतलब संजीदा इतना गंभीर साहित्य या अदब पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि वाकई आपका साहित्य वहाँ है जिसको लुगदी लिटरेचर कहते हैं, पल्प फिक्शन कहते हैं, या ये वो साहित्य है जिसका सीधा रिश्ता लिखने वाले और पढ़ने वाले से? भाई शुरुआती दौर में तो यही था, जैसा कारोबारी सिलसिला बाकी इस किस्म के राइटर लिखते थे वैसा ही मैंने किया, लेकिन जब थोड़ा सा मैंने नाम कमाया, थोड़ी मेरी औकात बनी, मेरी हैसियत बनी, मेरी शिनाख्त बनी, तो फिर मैंने अपने आप को इम्पोज करना शुरू किया। उसमें मैंने अपनी मनमानी चलानी शुरू की, भई ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये क्राइम फिक्शन है, जासूसी नावल है, तो उसी तरह आपकी खून खराब है कि और वाहियात बातें ही हों, इसमें गंभीर बातें भी हो सकती। मैंने बहुत नावल लिखे हैं ऐसे इस टाइप के जिसमें कोई फ्रिवोलस बात नहीं थी, कोई ऊट पटांग बात नहीं थी, जिसके बारे में रीडरों ने मुक्त कंठ से कहा था कि इसको जासूसी उपन्यास कहना गुनाह है। तो लेकिन वो बड़ा लेट इन दी लाइफ बना, लास्ट 25 ईयर्स में। और मैं तो ये तक कहता हूँ कि मैंने तो पॉपुलर लिटरेचर में और रेगुलर लिटरेचर में ब्रिज बना के दिखाया है कि अब कोई फर्क नहीं है, मतलब उस फर्क को कम भी किया है। हाँ, कोई फर्क या मिटाया है, कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ नजरिया है, निगाह का दृष्टि भ्रम है, कोई फर्क नहीं है। क्राइम सोसाइटी में नहीं होता, मर्डर सोसाइटी में नहीं होता, तो फिर उसको ऐसे सिंगल आउट करके ये कहना, बलात्कार सोसाइटी में नहीं होता, चोरी डकैती सोसाइटी में नहीं होते, गबन नावल को जासूसी नावल क्यों नहीं कहते आप प्रेमचंद के नावल को, गबन में सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो जासूसी नावल में होते। तो क्या ये एकेडमिक दुनिया में बैठे मठाधीशों का एक सो कॉल्ड ये है नरेशन है जो वो आलोचना के नाम पर या क्रिटिसिज्म के नाम पर चलाते हैं कि ये लिटरेचर है ये लिटरेचर नहीं है, या उसका एक दर्जा कम करते हैं? भाई उनका कारोबार है, उन्होंने अपनी महंती बना के रखनी है, उन्होंने ये बताने हैं कि हम स्वर्ण हैं ये अछूत हैं, ये इस किस्म की एक लाइन ऑफ डिमार्केशन वो बना के रखते हैं जिसमें उनकी आन बान शान बनती है और दूसरे को वो हकारत की निगाह से देखते हैं। ये नहीं है, ये बात कहते ये थोड़ी है कि गंभीर सहित तो हाउस वाइफ है और जासूसी सहित वो हारलोट है, ऐसे थोड़ी होता है, इतनी लाइन ऑफ डिमार्केशन थोड़ी होती जी। तो इस तरह के साहित्य में जब आपको कोई नाम दिया जा रहा हो,
और उसमें एक बात खुद आपको बराह रास्त समझ में आ रही हो कि आपका रिश्ता पढ़ने वालों से बराह रास्त है, एकदम डायरेक्ट है, बीच में कोई पुल नहीं है। कोई सेलिब्रेट कर रहा है आपको तो पाठक कर रहा है, भले आलोचना लिखने वाले या जिसको उर्दू में कहते हैं नक्काद, ये लोग अगर आपको नहीं भी अहमियत दे रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि आपके लिए कौन सी बात बहुत बड़ी है, किसी नक्काद का आपके बारे में कुछ लिख देना या किसी पाठक की फैन फॉलोइंग? देखो, मैंने लिखा जो है, मैंने जो लिखा है रिलीजियसली लिखा है, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से लिखा है। मैंने डंडी नहीं मारी कभी, मैंने कोई शेर का 12 छटाक नहीं तोला। मैंने महसूस किया कि जो मैं बेहतरीन कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, तब तक मैं इस बात से पीछे नहीं हटा। मैंने कभी कागज काले करने की कोशिश नहीं की कि चार पैसे खड़े हो जाए मेरी बला से, जैसा भी बनता है कुछ बन जाए, वो मैंने नहीं की। मैंने किसी मामूली पब्लिशर के लिए मामूली तवज्जो से भी किताब लिखी तो दिल से लिखी। उसका मेरे को ये सुख मिला कि मेरा एक रीडर में और राइटर में डायरेक्ट डायलॉग बन गया। मैंने रीडर को कंज्यूमर मान लिया कि ये साबुन बेच रहा हूँ मैं, किताब नहीं बेच रहा हूँ। हाँ, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट का जैसे कंज्यूमर होता है, रीडर वो है। जब वो पसंद करेगा तो वो बुक सेलर से मांगेगा, जब बुक सेलर के पास डिमांड है तो पब्लिशर से छुपी रह नहीं सकती है। तो मैंने एक वो अपना रابطہ खड़ा किया पढ़ने वालों से, पटाया रीडर को पटाया। यही कारण है कि आज की तारीख में मेरे 90% रीडर जो है वो मेरे कमिटेड रीडर है। 10% नए आते हैं, 10-15% नए आते हैं, बाकी मेरी किताब अनाउंस हुई है तो सबने लेके रहनी है। वो ये कह सकते हैं कि ये किताब अच्छी नहीं लिखी राइटर ने, ये नहीं कह सकते कि ये राइटर अच्छा नहीं है। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, गौर कीजिए कि भी राइटर ने अच्छा नहीं लिखा, इस बार अच्छा नहीं, लेकिन किसी की ये कहने की मजाल नहीं हुई कि राइटर ही अच्छा नहीं है, ये नहीं वो कहते। इतने कमिटमेंट के साथ पढ़ने वाले, मुझे मतलब मेरी जानकारी महदूद भी हो सकती है, मुझे दावा नहीं है, कम लोगों को मैसर आए हैं। मैं पिछले JLF की बात करूँ, मैं वहाँ खुद मौजूद था, आपका एक सेशन था, मैंने लोगों को देखा जिस तरह से आपको एक मतलब फ़ैन फॉलोइंग है, जिस तरह से लोग आपके लिए दीवाने बने हैं, लोग नाम ले रहे हैं सामने से, और इतनी उम्र एक मतलब अगर मैं उसको सो कॉल्ड अदद में या नंबर में बात ना करूं तब भी, कि इतने सालों से आप लिख रहे हैं और आज जब आप अपनी अलमारियों को इस तरह देखते होंगे और देखते होंगे कि 300 के आसपास या 300 नॉवेल आपने लिख दिए, कैसा लगता है वो सुरेंद्र मोहन पाठक जो कभी बचपन में लिखने की शुरुआत किया हो? देखो, मैंने अपने लिए कोई मैार खड़ा किया तो खड़ा करके मैंने कंक्लूड तो नहीं कर दिया, ये तो नहीं सोचा अब जो किले फतेह कर लिए थे कर लिया और करने को कुछ बाकी नहीं रहा। मैंने बहुत राइटर ऐसे देखे हैं जो एक बार किसी मुकाम पर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद वो उसमें कोई मशक्क़त जरूरी नहीं मानते हैं। किसी मुकाम पर पहुँच जाना फिर भी आसान होता है, उस पर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। मैं 6 decades से इस धंधे में हूँ, 3 generations मेरे नावल पढ़ रही हैं। जो बंदा आज नौजवानी में मेरा नावल पढ़ता था, आज उसके ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे नावल पढ़ रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी कमाई निरंतर मेहनत से तो नहीं बनती है। मैंने एक स्टैंडर्ड अपना मैंने खुद खड़ा किया है कि ये नावल मैंने उम्दा लिखा है और अगला मैंने इससे ज़्यादा उम्दा लिख के दिखाना है। तो मेरा मुकाबला किससे हुआ? मेरा मुकाबला खुद मेरे अपने आप से हुआ। मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, मैंने किसी को राइवल नहीं माना, किसी को कंपटीटर नहीं है। अगर किसी बात से मैंने टारगेट मिस भी कर दिया है तो रेस के घोड़े को टांगे में तो नहीं जोता जाता ना, रहना तो उसने रेस का घोड़ा ही है ना, भले ही हार जाए या वो टांगे में जूतने लायक बन जाएगा। फिर ये जो इतनी मशक्क़त से एक बुनियाद खड़ी की जाती है वो आसानी से नहीं हिल सकती। कामयाबी के शिखर पर लिफ्ट नहीं जाती, सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंचना पड़ता है। इतनी मेहनत कोई करे तो करे। आपने बहुत सारे मतलब बहुत सारे नहीं तो कम से कम मुझे जो याद आ रहा है कि सुनील सीरीज या फिर सुधीर हो, इस तरह की चीज़ें आपने लिखी हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है इससे कि जिस औरत के बारे में हम आज बात करते हैं उस औरत को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है, बल्कि उसको कहें तो बुरी औरत या बुरी औरत की कथा कहें, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो क्राइम फिक्शन में ख़ास तौर से जिस तरह की चीज़ें आपने लिखी हैं, ये बुरी औरतें ही क्यों इतनी पसंद आती हैं या उसी को इतना एक्सप्लोर क्यों किया जाता है?
जनाब सॉमरसेट मॉम ने कहा था कि उससे सवाल किया था किसी ने कि आप हमेशा खराब औरतों की कहानी क्यों लिखते हैं, तो उनका जवाब था अच्छी औरत की भी कोई कहानी होती है। हाँ तो फिर कैसे, जब मेरे नावल में भ्रष्ट करेक्टर की ही गुंजाइश है तो फिर मैं उसको सदाचारी कैसे दिखाऊं। दिखाते हैं कभी जरूरत पड़ती है, कभी कुछ ऐसा उन्माद खड़ा होता है, लेकिन ओवरऑल तो जब एक काम की बैकग्राउंड ही गुनाह को बनाना है तो गुनाह से रिलेटेड बातें ही तो लिखेंगे। अच्छी औरत की कहानी कैसे बनेगी, बनेगी तो कितनी बार बनेगी। आप वेस्टर्न कंट्रीज के नावल्स में देखे, हमारी कल्चर उससे मेल तो नहीं खाते, लेकिन वो जो अंधाधुंध नकल मारने वाले हैं वो तो फ़र्क नहीं महसूस करते हैं। मिसाल देता हूँ, फॉरेन के नावलों में आम होता है कि 2 बजे हस्बैंड का मर्डर हुआ है, पर 7 बजे वो बार में यार के साथ विस्की वो शेयर कर रही है। हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो सब मातम में बैठी होती है औरत पट्टी से लग के। तो सर ये एक चैलेंज नहीं लगता आपको कि आप इस तरह की चीज़ लिख के सोसाइटी में दे रहे हैं, और ये जो मुल्क है जो बात बात में ये रिएक्ट करता है कि हमारी संस्कृति को धक्का पहुंचा रहे हैं, हमारी या सो कॉल्ड कल्चर के खिलाफ लिख रहे हैं, ऐसा कोई रद्द अमल कोई रिएक्शन आपको? कहाँ से धक्का पहुंच गया, कहाँ से कल्चर के खिलाफ लिख दिया? नहीं, चूंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ऐसे ही सोचती है वो। वो सोचती, सोचने से क्या होता है, क्या सोचने से क्या होता है, सोचने से क्या होता है, जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत तिन पाई वैसी। अब जिसकी सोच ही भ्रष्ट है तो उसको हर बात में तो बुराई दिखाई देगी ना, बुराई दिखाई देगी ना हर बात में। हमने तो कभी क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं किया, हमने तो कभी यह सबक किसी को नहीं दिया कि क्राइम पेस। हम तो हमेशा यही कहते हैं क्राइम डज नॉट पे, जबकि आज की तारीख में तो ये मिसाल झूठी साबित हो गई है। क्राइम पेज वेरी हैंडसमली नाउडेज, क्राइम इज ए ट्रेड वेयर देयर इज नो इन्वेस्टमेंट एंड 100% प्रॉफिट। कि आप बताइए झपटमारी में क्या इन्वेस्टमेंट है, किसी को थप्पड़ मार के कार छीन लेने में क्या इन्वेस्टमेंट है, जब हमारी सोसाइटी में इतनी वैरायटी क्राइम की है और उसका बोलबाला है, तो मैं कैसे उसको लॉन्ड्री से धुली किताब बना के पेश करूं, मैं कैसे पेश करूं जब सबकी सोच ऐसी है। सब को आप अखबार की मिसाल कर लो, कोई अखबार हो सारा इन्हीं खबरों से भरा हुआ है, रेप मर्डर झपटमारी कार जैकिंग, किस कोई टाइप नहीं जिसके मर्डर के, और उसमें बड़े गुनाहगार अखबार वाले हैं कि ऐसी खबर को ग्लोरीफाई करें। जिस खबर की पोल खुल जाए उसको 8वें पेज पे छापेंगे छोटा सा करके कहीं पे, नहीं तो सारी हेडलाइन। क्यों ग्लोरीफाई करते हैं क्राइम को, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट मानते हैं लाश की बरामदी का, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट मानते हैं बीवी की यार से मिल के बेवफाई की बात को, उसको अंडर टोन में लिखो। ये आपकी बातों से मुझे मंटो भी याद आ रहे हैं। मंटो भी इसी तरह की सोच रखते थे कि मैं कोई चोली बोली नहीं उतार रहा हूँ इस सोसाइटी की, ये सोसाइटी नंगी ही है, जैसी है मैं वैसा लिख रहा हूँ। वैसी ही बात आप करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे 2 वाक्य जो मैंने कहीं पढ़ रखे हैं या सुन रखे हैं वो मुझे याद आ रहे हैं कि आपके ही फिक्शन को पढ़ के, आपके जो क्राइम फिक्शन है उसको पढ़ के, एक बैंक डकैती का मामला हुआ, एक तंदूर वाला मामला हुआ। कभी उन बातों को रियलाइज करके कोई एहसास जुर्म होता है एक लिखने वाले के तौर पे? देखो बात को सेंसेशनलाइज तो नहीं करना चाहिए ना। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने इतना लिखा है, 60 साल तक लिखा है, मैंने कभी सेक्स नहीं लिखा, कभी वायलेंस नहीं लिखा, जबकि वेस्टर्न कंसेप्ट ये है कि सेक्स और वायलेंस के बिना क्राइम नावल बन ही नहीं सकता। मैंने तो कभी नहीं लिखा सेक्स और वायलेंस, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो उसको अंडरटोन पे कर रहा हूँ। मैं तो मर्डर को भी क्लिनिकली दिखाता हूँ, क्लिनिकली भी कहते एक कत्ल हो गया है, ये 4 लाइन में लिखने की बात है, उसकी ग्राफिक डिटेल मैंने थोड़ी जाने की, उसके फेफड़े बाहर निकले हुए हैं, उसकी जुबान बाहर निकली है, मुंह काला हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, इतनी डिटेल की क्या जरूरत है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रिप्रोड्यूस कर दो, पैनक्रियास कैसा था, लीवर कैसा था, किडनी कैसे था, हु वांट्स टू रीड दिस स्टूपिड थिंग्स। तो ये जो क्राइम होता है वो एक खूंटा है जिस पर कहानी को टांगा जाना है, एक निमित्त है, एक
एक बेसिक बुनियाद है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी कहानी ने अपने मतलब जरा सके एक क्राइम को इस तरह से इमेजिन करना, मतलब इस तरह से सोच लेना कि पढ़ने वाले को भी यकीन आए, एक लिखने वाले के लिए इसमें कितनी मुश्किल है, क्या करना पड़ता है, किस तरह से होमवर्क करते हैं, कैसे लिखते हैं, जब आप सीरीज भी लिख रहे होते हैं, तरह तरह के करेक्टर भी आपके पास होते हैं। भाई उसको प्लाजिबल बनाते हैं ना, उसको प्लाजिबल बनाते हैं ना, रीडर के लेवल पर अपने आप को रख के सोचते हैं ना, कौन सी बात इसे हजम होगी, कौन सी बात इसे हो रही, वो विभत्सा को नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो सेक्स की ग्राफिक डिटेल्स को नहीं सुनने को तैयार, वो बलात्कार की ग्राफिक डिटेल्स को नहीं पढ़ने को के लिए तैयार है। तो क्या इन बातों के बिना नावल नहीं बनता? बनता है नावल। बलात्कार सोसाइटी की रोज की बेसिक्स हैं। अगर 20 बलात्कार के होते हैं तो 19 का पता नहीं लगता, एक एक्सपोज होता है 19 का पता नहीं लगता। 100 तरीके हैं पैसे वालों के इन बातों के वो फॉलो करने के लिए, कौन कौन सी नई चलाकियाँ की जाती है, जज के आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, वो करने नहीं देते। ये प्रियादर्शनी मट्टू कांड में जज ने वर्बाटम कहा कि मैं जानता हूँ मुजरिम मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं इसे सजा नहीं दे सकता क्योंकि पुलिस ने इसके केस को डाइल्यूट कर दिया, सबूत नष्ट कर दिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। जज ने इतनी आह भर के ये बात कही कि मुझे पता है मुजरिम मेरे सामने खड़ा है लेकिन मैं इसको सजा नहीं दे सकता। वो सेकेंड टर्न राउंड में फिर हो गई सजा, वो बात दूसरी है, लेकिन बचाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अंधाधुंध दुनिया जहान की वाहियात बातें खड़ी कर देते हैं। बड़े वकील हैं भी बड़ी बकवास करेंगे ना, छोटी थोड़ी करेंगे। एक ही मिशन है उसका क्या हुआ है, मैंने वो गोली मारी है जी, मारी है, हाँ मारी है जी, ठीक है बचाएंगे तेरे को। वकील का काम क्या है? वकील का काम, आज तक कोई वकील माइकल लाल ऐसा पैदा हुआ है जो मुजरिम को कोई, मैंने तुझे डिफेंड करता, मैं मुजरिम का राइट है डिफेंस, उसको मिलना चाहिए, डिफेंस मिलना चाहिए उसको। अगर वो नहीं ले वकील करेगा तो कोर्ट उसको वकील मुहैया कराएगा, चाहे वो लिपा पोती करे, कुछ ना करे। अच्छा, मैं ज़रा सा आप रोक भी रहा हूँ कि ये सवाल शायद मुझे थोड़ा पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं आप कर रहा हूँ कि जिस ज़माने में आपने लिखने की शुरुआत की उस ज़माने में और लोग थे, एस्टेब्लिश राइटर थे और उनकी अपनी एक ख़ास पहचान थी, ख़ास स्टाइल में लिख रहे थे, किस तरह का चैलेंज था आपको, कैसे आपको लगा कि इस तरह लिखेंगे तो हम ऑडियंस से या पढ़ने वालों से ज़्यादा जुड़ेंगे? ज्यादा नहीं थे, दो चार राइटर थे जिनकी कोई अहमियत थी, बाकी सब आलसो रहन थे। लेकिन एक तरह का चैलेंज तो रहा होगा ना सर, कि एक खास पहचान के साथ कोई लिख रहा है। कुछ गिनती गई थे ना, ढेर नहीं थे। ये वो दौर था जिस वक्त मीडिया ये नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं था, सिनेमा का वो एंटरटेनमेंट का मीडियम सिनेमा के सिवाय कुछ नहीं था। तो उस वक्त नावल पढ़ने पे बड़ा जोर था, हर किसी को अवेलेबल था, किराए की दुकान से दो आने में मिल जाता, सब लोग पढ़ते थे और कोई चॉइस भी नहीं थी, जो मिल जाए वो पढ़ते थे, क्योंकि वो रोटेट हो रहा है जब तक उसकी बारी नहीं, वो दूसरा ले लेते थे। तो लोगों की पसंद होती थी कि भाई ये बढ़िया है, इसको मैं पहले पढ़ने की कोशिश करूँगा, ये इज मोर एंटरटेनिंग, कि ये मेरी पसंद पे उस मेरी उम्मीदों पर खरा उतरता है। पढ़ते तो बाकी भी थे, यही मिसाल फिल्म की है, 50s में 40s में कोई फिल्म पिटती नहीं थी। अच्छा, कोई फिल्म पिटती नहीं थी। ये जो 200 करोड़ की फिल्में बननी शुरू हुई है, ये ढेर तब तो शुरू होनी है, क्योंकि एक फिल्म रिलीज हुई है एक बार तो सबने देखनी है, अगर पसंद आ गई तो फिर देख लेंगे, तो फिर पिटेगी कैसे जब एक बार सबने देखनी है। एक बार सबने देखी है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा मामा था, उस वक्त मैं 14-15 साल का था, मेरे को हलाकू दिखाने के लिए लेके गया खुद छुट्टी वाले दिन, सगा मामा मेरा भांजे को, रास्ते में उसे पता लगा कि तलत महमूद की फिल्म रिलीज हुई है, वो मुकर गया हलाकू से, कहते नहीं नहीं पहले मैं ये दिले नादा देखूंगा, तेरे को मैं हलाकू कल दिखा दूंगा। फिल्म धेले की भी नहीं थी, मामे को कोई अफसोस नहीं, ओ नहीं हो, गाने तो बढ़िया थे ना, तो महमूद के बस बताओ
टिकट खरीदी है गाने सुनने के लिए तलत महमूद के, बाढ़ में जाए फिल्म तलत महमूद के गाने सुनने के लिए गए हैं, सौरभ मोदी की पुकार में अंधा बैठा हुआ है डायलॉग सुनने के लिए गया हुआ है। तो उसका माहौल ऐसा था, इतनी वैरायटी नहीं थी इन बातों में उसमें। बाकी अगर आप ये कहें कि 50s में भी राइटर बहुत बड़े थे, कोई इतने बड़े नहीं थे। इब्ने सफ़ी का नाम था, इब्ने सफ़ी का नाम था, उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है, वो मेरे पता नहीं इस वक्त रेलेवेंट होगी या नहीं। नहीं, अगर आप सर बताना चाहें तो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत स्टोरी ये है। वो स्टोरी ये है कि जो इब्ने सफ़ी का पब्लिशर था, उसका अपना बाप हैदर साहब जो थे वो AH व्हीलर के जनरल मैनेजर थे। अच्छा। अब वो डंडे से किताब छपवाते थे व्हीलर के बुक स्टॉल पे, कहीं 10 की गुंजाइश है 50 लेनी पड़ेगी नहीं तो सीधा कर दूंगा तेरे को, कहीं 50 की गुंजाइश है तो 150 लेनी पड़ेगी, ऐसे तो सर्कुलेशन बनाए उन्होंने। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, जब मालिक खुद ही इतना बड़ा है, बड़ी हैसियत बना ली तो उन्होंने, तो उनकी तो प्रमोशन बेमिसाल थी, बेमिसाल थी। इब्ने सफ़ी का नाम तो इस वजह से, गुण भी थे, गुण भी थे। मैं खुद उसका मुरीद था, मैं लाइब्रेरी में छुप के पैर पढ़ने जाता था, नहीं घर में पढ़ने नहीं देते थे, बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। नावल थोड़ी होता था, लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी होती थी, उसकी नकल मार के अकरम इलाहाबादी वैसा राइटर बन गया, उसकी नकल मार के वेद प्रकाश शर्मा वैसा राइटर बन गया। दोनों ने इब्ने सफ़ी की तरह नाम कमाया, लेकिन टिक नहीं सके, कोई टिक नहीं सके। अब हम लगभग एकदम आखिरी हिस्से में है सवाल के, मैं मतलब बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की चीज़ें आपने लिखी और फिक्शन आपने लिखा, अब एक नई दुनिया में है, मतलब हमारे पास डिजिटल दुनिया भी है, सारी चीज़ें हैं, उसमें नए लिखने वाले को आप कहाँ देख रहे हैं भी या नहीं है? हिंदी में जी, हिंदी हो या उर्दू या कम से कम हिंदुस्तानी हो, नहीं फर्क है। अच्छा ठीक है सर, आप फर्क करके भी बता सकते हैं। फर्क ये बताता हूँ, इंग्लिश में किताब छपवानी आसान है, हिंदी में नहीं है आसान, हिंदी में नहीं है आसान। वन कैन फॉरगेट इट, कोई नहीं छापता हिंदी को, हिंदी के उसको। पहले तो ये बात है कि हिंदी की ट्रेडिशनल पॉकेट बुक के पब्लिशर ही ख़त्म हो गए हैं, ही नहीं है। इक्के दुक्के कोई हैं तो वो नए राइटर को पास नहीं फटकने देते हैं, जानते हैं नए नए पुराना बनने हैं फिर भी नहीं फटकने देते। इंग्लिश का कारोबार इसलिए जैसे तैसे चल जाता है, एक तो इंग्लिश में बहुत पब्लिशर हैं, दूसरे वो बहुत पब्लिशर बहुत किताबें छापते हैं, तीसरे इंग्लिश का धंधा थ्रू एजेंट चलता है, राइटर को खुद धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, सिर खपाई नहीं करनी पड़े, 10-20% वो चार्ज करते हैं रॉयल्टी का, और वो एक एक जगह रिजेक्ट है तो दूसरी जगह तीसरे कहीं ना कहीं वो बुक को छपवा ही देते हैं, और वो बाकी ये ऐसे छप जाने वाले भी 50% वन टाइम राइटर होते हैं, उन्होंने दोबारा लिखना ही नहीं, जो आता था उन्होंने एक ही किताब में जड़ दिया है बस, आगे रिपीट की बिल्कुल रेयर गुंजाइश है, शौक पूरा कर लिया किताब बगल में दबा ली। तो इंग्लिश में गुंजाइश ज़्यादा है, अगर थोड़ा भी टैलेंट है तो गुंजाइश ज़्यादा है। हिंदी में आज राइटर कलेजा निकाल के रख दे, वो कहेगा मैं नहीं छापता, अब फिर पसंद कर लेगा तो कहेगा मैं घोस्ट नेम से छापूंगा, तेरे नाम से नहीं छापूंगा, तो वो कैसे हो। आजकल सेल्फ पब्लिकेशन का दौर है, सेल्फ पब्लिशिंग का दौर है, तो लोग दे आर पीपल आर रिजॉर्टिंग टू सेल्फ पब्लिशर, पल्ले से पैसे लगा के किताब छाप रहे हैं, शौक पूरा कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं। अच्छा सर, एकदम आखिरी सवाल है, मतलब मेरा ये कि जब आप लोग शुरुआती ज़माने में लिख रहे थे, या फिर उसका एक तरह से गोल्डन एरा भी था, वो अब भी हो शायद, उस ज़माने में ख़ास तरह से आपका कवर तैयार किया जाता था, उसी तरह का कवर सिनेमा में भी हम देखते थे, उसी तरह से किताब को भी ये कंप्यूटराइज नहीं करते थे बल्कि कातिब होते थे जो किताबत करते थे, ये सब लोग गुम हो गए, उनको आप कैसे याद करते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? किताबत उर्दू में होती है, अभी भी होती है, हिंदी में तो कंपोजर नहीं, अब तो कंप्यूटर आ गया सर, वहाँ भी किताबत खत्म हो चुकी है। उर्दू की जो कंप्यूटर वाली वो है वो जरा कमजोर है, वो पसंद नहीं की जाती, अभी भी जामा मस्जिद पर खुले कातिब बैठे हैं, वो पीले कागज पर बैठे लिख रहे होते हैं, वो उनका है कंप्यूटर वाला उर्दू है, लेकिन उर्दू की एक खूबी है ना, एक एक लफ्ज की चार चार शक्ल हो सकती है। हिंदी में का ने तो का ही रहने ला,
अलफ ने कही वो रुख अख्तियार करने हैं, किसी के साथ मिलके करने हैं, किसी के कभी अकेला हो गए, लाम का लाल और तरह से लिखा जाता है, अकेला लाम और तरह से लिखे जाते, एक एक वर्ड की चार चार शक्लें जब बनेंगी तो कंप्यूटर कैसे हैंडल करेगा। उन्होंने एक जनरलाइज कर लिया, उसको छपता है, अच्छा नहीं लगता। नहीं तो आप अपने कवर बनाने वालों को कैसे याद करते हैं, वो कहाँ हैं, उनके बारे में कौन सोच रहा है? स्पेशलिस्ट थे, आदमी भी है, मतलब उनकी पूछ है अभी? मैंने उनसे देखी, आप भी तो गई थी उनके यहाँ, तो उन लोगों की पूछ है अभी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, या कंप्यूटर आने से उनको? ही वॉज हाईएस्ट पेड टाइटल मेकर इन ट्रेड, सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला था, उसका बनाया हुआ टाइटल एक मील से पता लगता था कि शैली ने बनाया है। तो एक तो वो धंधा ही खत्म हो गया, पागल बुक ने, दूसरे अब वो उम्र ज्यादा हो गई, हाथ कांपने लगे हैं, तो हाथ कांपने के उन्होंने अल्टरनेट ये निकाला है कि वो बड़े कैनवस पेंट करते हैं, तो उसमें बड़ी कूची चलती है, तो वो थोड़ी बहुत हाथ की कंपन जो है वो कंपनसेट हो जाती है, बाकी जो छोटे साइज में तो बड़ा बारीक काम करना पड़ता है। फिर अब भी जितने ये पब्लिशर हैं, विलायती पब्लिशर है, वेस्टलैंड, हार्पर कॉलिन, ये वो पेंगुइन, जगरनाट, ये तो सब कंप्यूटर से बनाते हैं टाइटल भी, अब कंप्यूटर से। सर ये चलते चलते मतलब उस ऑडियंस को जो बिल्कुल नए हैं, जो हिंदी को बहुत डाउट की निगाह से देखते हैं, जो उर्दू को और भी ज़्यादा डाउट की निगाह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? किस निगाह से देखते हैं? बहुत डाउट की निगाह से कि ये हिंदी है ये, और उससे भी ज्यादा डाउट से कि ये उर्दू है, क्योंकि वो अंग्रेजी में उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया, उस ऑडियंस को क्या कहेंगे? मूर्खता है। अली सरदार जाफरी ने एक बहुत जनरस बात कही थी, वो कहते हैं, वो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप नुक्ते को इग्नोर ना करें तो हमें देवनागरी लिपि में उर्दू से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप जो नुक्ते की अहमियत नहीं समझती हैं, उर्दू में नुक्ता तो ना होना बर्बाद कर देगा। मोहम्मद इलाही साहब नामजद हो गए, नुक्ता ना लगाएगा तो पता लगेगा ना मर्द हो गए। तो फिर उन्होंने ये जाफरी ने खुद कहा, कहते हैं अगर नुक्ते को इग्नोर ना करो तो हम देवनागरी में उर्दू कबूल करने को तैयार हैं, उस इसलिए कि इसका प्रचार बड़ा व्यापक हो जाएगा। अब वो एक जगह बिल्कुल कंसंट्रेटेड उसकी एग्जिस्टेंस बन गई है, कंसंट्रेटेड एग्जिस्टेंस बन गई है। अलाहाबाद से एक मैगजीन छपते थे उर्दू साहित्य, नाम होता था उसका, लेकिन छपती हिंदी में थी, नाम उर्दू साहित्य था, वो उसकी वो नहीं, फॉर्मेट चेंज नहीं करते थे, अल्फाज को बदलते नहीं थे, जैसे उर्दू में थे वैसे का वैसा ट्रांसक्राइब कर देते थे। बहुत अच्छी चली, किसी जुदा वजह से बंद हुई, बड़े कलेक्टर्स इशू छपे जी उसके, बड़े बड़े वो पाकिस्तान के राइटर भी छपे, इंडिया के भी मकबूल राइटर छपे, कितने सारे थे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, आपने इतना कीमती वक्त दिया, और नाजरीन हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सुरेंद्र मोहन पाठक के लाइफ को ढंग से जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आपको इनकी खुदनविस्त ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, न बैरी न कोई बेगाना। बहुत बहुत शुक्रिया। टू रिसीव इंस्टेंट अपडेट्स ऑन ऑल वीडियोस फ्रॉम द वायर, क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकॉन। पे टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चूज द अमाउंट यू वॉन्ट टू पे।